नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाने के लिए आप क्या काम करें। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। हर ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे और खुशियों का आगमन हो, इसके लिए वास्तु में बताए गए कुछ आसान से उपायों को आजमा सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। घर में अखंड रामायण का पाठ कराएं। गृहस्थ जीवन में सुख शांति के लिए घर के मंदिर में शिव परिवार का चित्र लगाएं। रोगों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव का त्रिशूल वाला चित्र घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी रोगों को दूर करता है। अगर आत्मविश्वास में कमी है तो भगवान शिव के नीलकंठ रूप के चित्र को घर के ईशान कोण में लगाएं। जिस घर में अच्छे मन से पूजा होती है वहां सुख शांति सदैव बनी रहती है। घर में तुलसी का पौधा लगाएं। इस पौधे से होकर आने वाली हवा सकारात्मक ऊर्जा लाती है। तुलसी के पौधे में प्रतिदिन जल चढ़ाएं। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी के पत्ते को एकादशी, रविवार और मंगलवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। घर के हॉल में या जहां आप बैठते हैं वहां पीछे पर्वत का चित्र लगाना चाहिए। अमावस्या के दिन घर की सफाई का नियम बनाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। घर के अंदर प्लास्टिक के फूल व पेड़ पौधे न रखें। रसोई घर में रात में जूठे बर्तन न रखें। ये थी जानकारी कि कैसे आप वास्तु के इन छोटे नियमों से अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं इस बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।